जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत। थाने के अंदर युवक पर थर्ड डिग्री देकर मारपीट के मामले में मानवाधिकार हनन आयोग के दखल के बाद इंस्पेक्टर सहित 6 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल जनपद के श्रीनगर कोतवाली में चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को हवालात में बंद कर अमानवीय व्यवहार किया गया था, जिसमें तत्कालीन इंस्पेक्टर सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के पवा गांव में बीती 2 अप्रैल को गांव में रहने वाले भारत सिंह पुत्र नाथूराम को पुलिस ने चोरी के आरोप में हिरासत में लिया था। आरोप है कि गांव के प्रधान के पति हरिओम ने रंजीशन गांव के भारत सिंह पर चोरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद श्रीनगर कोतवाली में तैनात दरोगा सुरेंद्र नाथ, सिपाही उपेंद्र, सिपाही रोहित और राजीव यादव पीड़ित को घर से जबरन थाने उठाकर ले गए थे। हैवानियत भरा कृत किया पुलिस ने। आरोप है कि थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार और सभी ने उसके साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हुए अमानवीय मारपीट की। लाठी डंडों से मारपीट करने के साथ साथ गर्म चाय डालते रहे और कानों में नुकीला तार डालकर उसके कानों के पर्दे फाड़ दिए। पीड़ित की हालत मरणासन्न हो गई है और उसे 3 अप्रैल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। लेकिन सभी आरोपी पुलिसकर्मी उसे झांसी के स्थान पर बिना परिवार को बताए कानपुर के हैलेट अस्पताल ले आए, जहां मनमाने तरीके से उसका इलाज कराया गया, जिसके बाद उसकी हालत और गंभीर हो गई। थाने के अंदर थर्ड डिग्री इस्तेमाल किए जाने के मामले में पीड़ित द्वारा अधिकारियों की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई गई है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। थक हार कर उसने मानवाधिकार आयोग को लिखित शिकायत की, जिसके बाद मानवाधिकार हनन आयोग के दखल देने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। तत्कालीन इंस्पेक्टर अनिल कुमार, SI सुरेंद्र नाथ, सिपाही उपेंद्र, रोहित, राजीव यादव और ग्राम प्रधान के पति हरिओम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। सभी के खिलाफ धारा 147, 148, 342, 326, 323 और धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।